मैंने कहा नहीं तुम आंखें बंद करो गहरी सांस लो तीन बार अपने उल्टे हाथ को चूमो और ये मांगो कि पुरानी शन्नो तुम्हारे पास वापस आ जाए लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उस दिन शनो नहीं मिले तो ये बात तब की है जब टीवी पर चैनल्स कम थे और जिंदगी में कंफ्यूजन जब मैं और शनो दो चोटियां बनाकर सुबह, सुबह सुबह स्कूल जाते और दिल्ली की खाली सड़कों पर सफेद रंग की गाड़ियां ढूंढते अब आप पूछेंगे सफेद गाड़ियां क्यों हमारे स्कूल में बात फैल गई थी कि अगर सुबह सुबह सफ़ेद रंग की गाड़ी देखकर अक्की बक्की लक्की कह दो तो दिन बहुत अच्छा जाता है अब स्कूल के टोटके ऐसे ही होते थे जैसे अगर किसी नोटबुक में मोर पंख रख लो तो सरस्वती माँ कुछ भी कर कर तुम्हें उस एग्ज़ाम में पास करवा देंगे या पोस्ट ऑफिस वाली लाल गाड़ी देखकर कोई विश मांग लो तो विश ज़रूर पूरी होगी सबने किया ना ऐसी ही एक ट्रिक मुझे शन्नो ने सिखाई थी कि अगर कभी तुम्हारी कोई कीमती चीज़ खो जाए तो घबराओ नहीं आंखें बंद करो गहरी सांस लो और अपने बाएं हाथ को तीन बार चूम लो तुम्हारी चीज़ अपने आप तुम्हारे पास वापस आ जाएगी शन्नो को अपनी स्ट्रिक पर बहुत भरोसा था और अब मेरा मन कर रहा था कि फटाफट मेरी कोई चीज़ खोए और मैं स्ट्रिक को आज़मा लूँ कुछ दिनों बाद मेरा जान से प्यारा पिंक कलर का बैंड खो गया मैं खुश मैंने आंखें बंद की गहरी सांस ली और उल्टे हाथ को तीन बार चूम लिया अब मैं बैठकर इंतजार कर रही थी कि बस कहीं से मेरा हेयर बैंड अपने आप चलकर मेरे सामने आ जाए एक घंटा गुजरा फिर दूसरा और तीसरा मेरे हेयर बैंड का कोई अता पता नहीं था लंच ब्रेक में फ्रूटी पीते हुए मैंने शन्नो से कहा कि तुम्हारी ट्रिक एकदम बेकार है बिल्कुल काम नहीं करती शन्नो को गुस्सा आ गया उसने कहा निशु तुम कोई काम ठीक से नहीं करते हो तुमने गलत किया होगा फिर से करो मेरे सामने करो मैं देखती हूँ कैसे काम नहीं करती डर के मारे मैंने आंखें बंद की और जैसा शनों ने कहा ठीक वैसे ही किया पांच मिनट बाद हम क्लास में गए तो मेरा हेयर बैंड डेस्क के नीचे पड़ा हुआ था अभी आधा घंटा पहले तो मैं पूरी क्लास छान के गई थी मेरे चेहरे पर घोर अविश्वास था और शनों के चेहरे पर जीत वाली मंद मंद मुस्कान मुझे मानना पड़ा कि शनों की ट्रिक काम तो करती है इसके बाद जब भी मेरी कोई भी चीज खो जाती पेन पेंसिल इरेजर गुड्डा गुड़िया कुछ भी मुझे मालूम था मुझे क्या करना है कुछ महीनों बाद मेरे पापा का ट्रांसफर दिल्ली से आसाम हो गया और शनों से टच ज़रा छूट सा गया शुरू शुरू में हम एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे कार्ड्स भेजते थे पर धीरे धीरे वो सिलसिला भी गतम हो गया अब शन्नों ने इन सालों में मुझे याद किया या नहीं ये तो नहीं मालूम पर मैंने शन्नों को कई मौक़ों पर बहुत याद किया साइकिल की चाबी खो जाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिट कार्ड खो जाने पर और एक बार बीच पर नानी का दिया हुआ सोने का कड़ा खो जाने पर भी यकीन मानिए शनों की ट्रिक ने हर बार काम किया किस्मत में लिखा था तो कई सालों बाद मैं और शन्नो फिर मिले इस बार बैंगलोर में शन्नो घर ढूंढ रही थी और मैं रूममेट सब कुछ फिट सा होता चला गया अगले ही हफ्ते अपने सारे ताम झाम के साथ शन्नो घर आ गई इतने सालों बाद उससे मिलकर लगा जैसे मैं बचपन वाली निशु से फिर से मिल रही हूँ हमने साथ रहना शुरू किया बड़े मज़े के दिन गुजर रहे थे घर को साथ सजाया उसके कमरे के लिए बेड शीट्स पर्दे फेरी लाइट्स प्लांट्स न जाने क्या क्या साथ जाकर खरीदा एक दूसरे की पसंद की चाय बनानी सीखी शन्नू से मिलके मुझे बचपन वाली फीलिंग्स फिर से आने लगी थी एक दिन शाम को यूं ही बाहर बालकनी में बैठे हुए थे फ्रूटी की जगह अबोल मंकने ले ली थी शन्नू ने मुझे दो साल पहले अपनी सगाई टूटने के बारे में बताया उसने कहा कि उस बात का उस पर बहुत गहरा असर हुआ है उसे बहुत हीन सा हारा हुआ सा महसूस होता था जैसे पुरानी शन्नों कहीं खो गई हो बात सुनकर मैं हंस दी मैंने कहा तुम कब से किसी चीज के खो जाने पर परेशान होने लगी शनो को मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई तो मैंने उसे उसकी बचपन वाली ट्रिक याद दिलाई अब हंसने की बारी शनों की थी उसने कहा तुम एकदम पागल हो गए हो मैंने कहा नहीं तुम आंखें बंद करो गहरी सांस लो तीन बार अपने उल्टे हाथ को चूमो और ये मांगो कि पुरानी शन्नो तुम्हारे पास वापस आ जाए उसकी हंसी रुक नहीं रही थी लेकिन मैं भी अपनी बात पर अड़ी रही आखिर शनों की ट्रिक ने मेरे लिए हमेशा काम किया था आखिरकार उसको मेरी बात माननी पड़ी और ये ओल्ड मंक का खुमार था या कुछ और इस बचकानी हरकत के बाद उसने मुझे कहा कि उससे अच्छा अच्छा लग रहा है लेकिन मानिए अगले दिन से कुछ बदला ज़रूर शनु मुझसे पहले उठने लगी मॉर्निंग वॉक्स पर जाने लगी हेल्दी खाना खाने लगी हमारे घर में कीनवा और केल बनने लगे मुझे भी वही खाना पड़ता था अगर मैं नखरे करती तो बिल्कुल पहले की तरह ज़ोर से हक से मुझे डांट दिया करती थी छोटी छोटी बातों पर खुश होने लगी थी जैसे रेडियो पर कोई पसंद का गाना आ जाए तो उठकर डांस करने लगती किसी दिन चाय में दूध पानी और अदरक का रेशो परफेक्ट हो जाए तो बहुत खुश हो जाती बिल्कुल पुरानी वाली शनों की तरह मेहनती थी तो काम पर भी असर दिखने लगा छः महीनों में प्रमोशन हो गया जिसे हमने जमकर सेलिब्रेट किया कुछ दिनों बाद उसे अमेरिका के एक प्रोजेक्ट पर असाइन कर दिया गया एक तरफ मैं शनों को खुश देखकर खुश थी दूसरी तरफ उसके जाने का दुख भी था एयरपोर्ट पर बाय बोलते वक्त हम दोनों की आंखें नम थी उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे फिर से खोजने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और मैंने कहा अब इस शनों को फिर से खोने मत देना अमेरिका जाकर वीडियो कॉल पर उसने मुझे अपना नया घर दिखाया जब घर सजाने गई तो देर रात जगा कर कुशंस के लिए मेरी पसंद पूछी हम अक्सर वीडियो कॉल्स पर बात करते अपने अपने बॉसेस की बुराई करते वो अपने बालों में अलग अलग कलर्स कराकर मुझे फ़ोटोज़ भेजती थी उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था सैन फ्रांसिस्को मेक्सिको ग्रैंड कैनियन न जाने कहाँ कहाँ से मुझे फ़ोटोज़ भेजती थी कोई दोस्त यू से इंडिया आता तो मुझे कमर्शियल स्ट्रीट जाकर उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करनी पड़ती चन्नो खुश थी फिर एक दिन मुझे एक कॉल आया हमारी एक कॉमन फ्रेंड का उन्होंने कहा चन्नो कोमा में है किसी बीच पर गई थी छुट्टियां मनाने अचानक चक्कर आया बेहोश हो गई और हॉस्पिटल ले जाने पर मालूम हुआ कि ब्रेन में एक क्लॉट है शनों के लिए दुआ करने को कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया मैं बहुत देर वहाँ बैठी रही कभी फ़ोन को कभी शन्नों के कमरे को देखती रही क्या सोच रही थी ठीक ठीक याद नहीं लेकिन शायद वहीं मेरी आंख लग गई सुबह उठकर फ़ोन उठाया तो बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे पहले ही मैसेज में लिखा था आई एम सॉरी फॉर योर लॉस मेशी रेस्ट इन पीस अब ऐसी बातें मैंने हमेशा दूसरों के लिए लिखी हुई देखी थी कभी अपने लिए नहीं सब बहुत अजीब सा लग रहा था जैसे सपना सा है अभी मैं नींद से पूरी तरह जागी नहीं हूं शनु ऐसे थोड़ी जा सकती है मुझसे बिना पूछे बिना बताए मैंने आंखें बंद की गहरी सांस ली और अपने बाएं हाथ को तीन बार चूमा शनु कहीं चली नहीं गई है बस खो गई है रुको थोड़ी देर आ जाएगी मुझे पता है मैं कह रही हूँ ना ज़रूर आएगी मैं भी तहाशा अपने बाएं हाथ को चूमे जा रही थी लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था दूर से आवाज़ आ रही थी जैसे निशु निशु तुम ठीक नहीं करियो तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं करती फिर से करो मैं देखती हूँ कैसे नहीं होता ऐसा लग रहा था जैसे शन्नु चाहती है कि मैं उसे ढूंढ लाऊं जैसे उसे विश्वास था कि मैं उसे खोज लूंगी लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उस दिन शन्नु नहीं मिली अप्रैल 2019 के उस दिन से लेकर आज तक हर दिन कम से कम एक बार आंखें बंद करके गहरी सांस लेके मैं अपने बाएं हाथ को ज़रूर चूम लेती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस नहीं तो किसी और जहाँ में शर्नों मिलेगी ज़रूर क्योंकि शर्नों की ट्रिक हमेशा काम करती है थैंक यू